राजा है। भीलवाड़ा नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बन चुका है और भाजपा के राकेश जी पाठक यहाँ विजय हुए हैं। इन्होंने भाजपा के कांग्रेस के पूर्व सभापति ओमजी रानीवाल को शिकस्त देकर वापस बोर्ड पर कब्जा जमाया है और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार नगर परिषद की जो मूलभूत जो सुविधाओं का अभाव है, जैसे यहाँ पर निराश्रित पशुओं की समस्या हो गई, गांधी सागर तालाब का विकास हो गया और किन किन जो विकास कार्य इनको आप प्राथमिकता से भीलवाड़ा शहर की स्वच्छता यातायात में की सुगमता में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं और एक लैंडमार्क डेवलपमेंट वर्क जिसके लिए हमारे बोर्ड को पहचाना जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। बोर्ड के अंदर 36 का एक आंकड़ा था, उसके कम बहुमत होने के बाद भी आपने तो एक सारे जो पार्षद उनको एक साथ रहकर एक विकास कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं नहीं कोई है। मैं 36 नहीं, मैं सिर्फ 45 नहीं, मैं 70 पार्षदों का सभापति हूँ और 70 ही वार्डों में मेरा सब विकास जो है मेरी मूल प्राथमिकता होगी। आप भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं, पदाधिकारी भी रह चुके हैं, आप यहाँ की शहर की हर एक गली मोहल्ले से वाकिफ हैं, क्या मेन जो आप प्राथमिकता देकर कार्य कराएंगे, क्या क्या आपकी प्राथमिकता में कार्य रहेंगे? देखिए, मूल जो कमी है वो विकास के अंदर जनता की सहभागिता। विकास के अंदर जब जनता की सहभागिता होगी तो जनता प्रायोरिटी फिक्स करेगी कि कौन सा विकास का काम पहले होना चाहिए, वो स्वतः आगे बढ़ता जाएगा। नगर निकायों के अंदर एक भ्रष्टाचार और जो ठेका पद्धति के अंदर जो पूल बनना, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, इससे कैसे निजात पाएंगे? देखिए, ठेका पद्धति का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान के सभी विभागों में मैन पावर लॉस की कमी है, तो हम बिना ठेके के कल्पना कर ले तो वो तो मुझे असंभव लगता है, लेकिन ठेके में पारदर्शिता होनी चाहिए, इसके लिए हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सभापति, बोर्ड के समाप्ति बने राकेश जी पाठक, जिन्होंने शहर की जो मूलभूत सुविधाओं के साथ ही पारदर्शितापूर्वक कार्य करने की अपनी कार्य योजना हमें बताई है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।